देखिए, आज हमने बनाई है प्रसाद वाली बूंदी, जो घर में आप आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और प्रसाद के लिए हम घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस बूंदी को, मीठी बूंदी को बना लेते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू माय स्टाइल फूड। देखिए, आज हम मीठी बूंदी बना रहे हैं। तो हमने बेसन लिया है 150 ग्राम, और ये चीनी ली है 300 ग्राम, और ऑयल है, और ये केसर के धागे लिए हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने छन्नी लिया है, और छन्नी में इसको हमने बेसन को डाल दिया है। और फ्रेंड्स, बेसन को इस में ज़रूर हमको छानना पड़ेगा, जिससे कि हमारी बूंदी बहुत ही अच्छी बने। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, हमारा बेसन छन चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम 1 स्पून, और थोड़ा सा और डाला हमने इसमें। तो अब हम इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, 1 पिंच। और अब हम इसको इसका घोल तैयार कर लेते हैं, बैटर। तो पहले हम इन सब को मिला लेते हैं अच्छे से, और इसमें हम पानी से इसको अच्छे से घोलेंगे। तो देखिए, हमने उसी बाउल में पानी भर लिया है जिस बाउल में हमने बेसन को लिया था, और इसी से हमको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और हमें थोड़ा ही मात्रा में डालना है, एक साथ नहीं डालना है, जिससे कि वो पतला हो जाए ज़्यादा। तो इसके लिए हमने ना थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो जिससे कि ना बेसन में लम्स भी नहीं पड़ेंगे, और बहुत ही अच्छा इसका बैटर तैयार होगा। तो देखिए किस तरह से ये इसका ड्रिप डलना चाहिए, गिरना चाहिए बूंद। तो थोड़ा सा और हमको इसको मिलाएंगे अभी। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के करीब इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ हम हीट पर कढ़ाई को रख दिए हैं, और ये हमने चीनी डाल दिया है, जो हमने 350 ग्राम ली है, और इसमें इसी बाउल से हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो हमने इसका 1.5 बाउल पानी लिया है, 1.5 बाउल पानी लिया है, और इनको हमको घोल लेना है अच्छे से, और इसको करीब हम 5 मिनट पकाएंगे। और हमको इसको गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हाथ में चिपचिप करे इतना ही रहना चाहिए। तो देखिए, हाथ में चिपक रहा है, तो ये हमारा चाशनी तैयार हो गया है। और इसमें हम डाल देते हैं केसर, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप चाहें तो इसमें फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास केसर ना हो तो। और ये हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और इसको उतार देते हैं। और ये देखिए, हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। तो अब हम इसमें ना बूंदी को छान लेते हैं, और ये हमने देखिए पूरी छानने वाला लिया है, झारा। तो इसमें ही हम डालेंगे इसमें, तो इसमें हम डाल देते हैं बेसन को, और देखिए कितना अच्छा इसका ड्रिप गिर रहा है। और हमको एक ही जगह इस झारी को रखना है, और आँच का आप फ्रेंड्स बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, तेज आँच में ही आप इसको निकालिएगा। अगर आप आँच धीमा कर लेंगे तो ये बूंदी ऑयल को भी सोख लेता है। तो तेज में ही हमको इसको बनाना है, और फिर जैसे हमारा सारा बूंदी डल जाए तो फिर हम हीट को कम कर सकते हैं, और इसको अच्छे से हम फ्राई होने देते हैं अभी। और देखिए, हमारा एकदम से गोल्डन हो गया है बूंदी, तो हम इसको निकाल लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा एक एक अच्छा दाना बना हुआ है, तो निकाल लेते हैं इसको। और इसे अब हम
शुगर सिरप में डालेंगे। तो देखिए हम इसे कितना अच्छा बूंदी हमारा निकल गया है ये। और अब हम इसको शुगर सिरप में डाल देते हैं। तो देखिए हमने इसमें डाल देना है और करीब हम इसको ना 2-3 मिनट के लिए इसमें डला रहने देंगे। और तब तक हम और आगे का प्रोसेस करेंगे। और ये देखिए हमारा 2-3 मिनट हो चुका है, तो हम इसको निकाल लिए हैं और बड़े वाले स्ट्रेनर में इसको डाल दिए हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा सिरप निकल जाएगा और हमें सूखा बूंदी एकदम मिल जाएगा अच्छा सा। और अब हम बाकी बूंदी को भी निकाल लेते हैं। तो इसे भी हम सेम निकाल लेते हैं उसी तरह, और एक ही डायरेक्शन में हमको अपना झारी को रखना है। और देखिए कितना अच्छा हमारा फूला फूला बूंदी तैयार हो रहा है। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना जल्दी बन गया ये बूंदी प्रसाद वाला, और बिना किसी टेंशन के, और कोई हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, और हमने घर में ही इस बूंदी को तैयार कर सकते हैं। और ये हम फिर से इसको शुगर सिरप में डाल देते हैं और इसे भी हम निकाल लेंगे फिर। तो हम थोड़ा सा और निकाल लेते हैं बूंदी। तो ये भी देखिए हमारा तैयार हो गया है, लास्ट कोट था जो, तो इसको भी हम निकाल लिए हैं। और ये हमारी देखिए बूंदी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको थाली में निकाल लेते हैं प्रसाद के लिए। और देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हुई है, और देखिए कितना एक एक दाना इसका हो गया है बढ़िया, और बहुत ही अच्छा इसने चाशनी को भी इसने एब्जॉर्ब किया है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और गणेश चतुर्थी चल रही है, तो उनको भगवान जी को इसका प्रसाद लगाइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम, टेक केयर, हैप्पी गणेश चतुर्थी।